गाइस ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे अपने वेबकैम क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो अपने OBS स्टूडियो में, ताकि आपके लाइव स्ट्रीम पे आपका जो फेस कैम है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखाई दे, थोड़ा अच्छा इंप्रूव फुटेज दिखाई दे, आप भी काफी सुंदर दिखाई दो, आपका बैकग्राउंड भी काफी सुंदर दिखाई दे। तो ये आप लोग कैसे कर सकते हो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। बेसिकली हम लोग कलर करेक्शन करने वाले हैं, बट OBS स्टूडियो के अंदर जो डिफॉल्ट कलर करेक्शन की सेटिंग मिलती है हम लोगों को वो काफी बेसिक होती है, और उसको यूज करके आप लोग सिर्फ घटिया फुटेज बना सकते हो, अच्छा तो कलर करेक्शन नहीं कर सकते हो। तो आपको कुछ अलग मेथड यूज करना पड़ेगा जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और काफी इजी भी है, आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो कैसे करना है चलो मैं आप लोगों को बताता हूं, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड में, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो है आपको अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लेना है। OBS स्टूडियो आपने ओपन कर लिया कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे मैंने अपना वेबकैम जो है वो ऐड कर दिया है एक सीन में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब इस वेबकैम को ऐड करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे फुल स्क्रीन पे आपने अपने वेबकैम कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है अपने ये कैनवस में ही, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्क्रीनशॉट प्रीव्यू, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, सो दैट ये जो आपका स्क्रीन दिख रहा है इसका एक स्क्रीनशॉट ये ले लेगा और वो सेव कर देगा आपके आपके पीसी में, ठीक है। तो मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ पहले यहाँ पे क्लिक करके, कूल। तो यहाँ पे इसने स्क्रीनशॉट ले लिया और ये नीचे बता रहा है स्क्रीनशॉट सेव टू ये फोल्डर। अगर आपको नहीं पता कि आपका स्क्रीनशॉट कहाँ पे सेव हो रहा है आपके पीसी में, तो आप लोग अपने OBS स्टूडियो में यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का यहाँ पे आउटपुट का ऑप्शन होता है, आउटपुट के ऑप्शन पे जाओ और यहाँ पे रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन होता है यहाँ पे आप लोग देख लो रिकॉर्डिंग पाथ क्या है। तो यहाँ पे मेरे इसमें मैंने आई ड्राइव में यहाँ पे OBS रिकॉर्डिंग नाम से एक फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर ये सेव हो रहा है मेरा, ठीक है। आप भी अपना पाथ यहाँ पे चेक कर लो, इसी पाथ में मतलब इसी जगह पे आपका जो स्क्रीनशॉट है वो सेव हुआ रहेगा। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ और अपने उसी फोल्डर में चले जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने आई वॉल्यूम में, यहाँ पे आई ड्राइव में OBS रिकॉर्डिंग वाले फोल्डर में, यहाँ पे हमारा स्क्रीनशॉट जो है वो सेव हो चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा मुंह दिखाई दे रहा है मेरा, ठीक है। तो ये हमारा स्क्रीनशॉट जो है वो आ चुका है। तो आपका भी ऐसे आपके हिसाब से जैसे भी आपका ये रहेगा फेस कैम आपका वेबकैम, उस हिसाब से आपका ये रिकॉर्डिंग आ जाएगा स्क्रीनशॉट। उसके बाद में आपको जाना है अपने ब्राउजर में, और अपने ब्राउजर में आपको ये वेबसाइट पे आना है photopea.com, जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते होंगे आप प्रोनाउंस कर लो और इस वेबसाइट पे आ जाओ, ये फ्री वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आने के बाद में आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है अपने पीसी में अपने वेबकैम का, वो स्क्रीनशॉट को यहाँ पे सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा आपका वो स्क्रीनशॉट जो भी आपने निकाला OBS स्टूडियो में। तो यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट ऐड करने के बाद में हम लोग ये स्क्रीनशॉट के ऊपर कलर करेक्शन करेंगे कुछ उस प्रकार से, आप लोग अपने हिसाब से कलर करेक्शन करोगे ताकि आपकी जो ये इमेज है ये एकदम अच्छी दिखाई दे, आप जैसा चाहते हो वैसी दिखाई दे, ठीक है। तो वो करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये एक सेक्शन दिखाई देता है, यहाँ पे अपना इमेज वाला लेयर जो है वो सिलेक्टेड रहता है बैकग्राउंड नाम से। यहाँ पे आपको एक न्यू फोल्डर बना लेना है सबसे पहले, तो यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन होता है यहाँ पे क्लिक करूंगा, इस फोल्डर को हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे कलर करेक्शन नाम दे देता हूँ, या फिर एडजस्टमेंट कुछ भी नाम दे सकते हैं यार इसको, ये तो मैंने ऐसी कलर कलेक्शन नाम दे दिया, ठीक है। एक फोल्डर बना दिया हमने, उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप कर्सर ले जाओगे तो न्यू एडजस्टमेंट लेयर नाम से ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट लेवल्स कर्व एक्सपोजर वाइब्रेंसी सैचुरेशन कलर बैलेंस जो कुछ भी आपका एडजस्टमेंट करना है ये पूरा यूज कर सकते हो आप लोग, और अपने फुटेज को एकदम इंप्रूव कर सकते हो अपने मतलब इस स्क्रीनशॉट को। तो यहाँ पे मैं जैसे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को सबसे पहले यूज़ करूंगा, और यहाँ पे ब्राइटनेस को आप अपने हिसाब से आपका वेबकैम और आपकी लाइटिंग कंडीशन कैसी है उस हिसाब से अपने इसको ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को यहाँ से बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं थोड़ा ब्राइटनेस को बढ़ा देता हूँ कुछ इस प्रकार से, या फिर थोड़ा घटा ही रहने देता हूँ, चलो 5 पे कर देता हूँ, कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पे मैं इंक्रीज कर देता हूँ। अब वैसे मेरा जो लाइटिंग कंडीशन और जो मेरा वेबकैम है वो थोड़ा अच्छा वाला वेबकैम है, तो इतना कुछ यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, बट मैं थोड़ा सा आपको इंक्रीज करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे, मतलब फ़र्क दिखाई दे, जब हम लोग इसको अपने OBS स्टूडियो में ऐड करेंगे तो आपको फ़र्क दिखाई देना चाहिए ना कि ये काम भी कर रहा है नहीं। तो यहाँ पे मैंने बस ऐसे ही रैंडमली बढ़ा दिया है, ये सबको आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सबकी वेबकैम और सबका लाइटिंग कंडीशन अलग होता है। तो इसको आप लोग ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट कर लो, उसके बाद में यहाँ पे फिर से क्लिक करो, उसके बाद आपको और यू सैचुरेशन वाइब्रेंस ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे वाइब्रेंस ऐड कर देता हूँ, और वाइब्रेंस और सैचुरेशन को भी यहाँ पे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हो ये यहाँ पे मैं वाइब्रेंस को थोड़ा बढ़ा देता हूँ और सैचुरेशन को थोड़ा ऐसे और बढ़ा देता हूँ। आप लोग देख सकते हो मेरे फेस पे लाइट जो है वो पहले कितनी थी और अब कितनी इंक्रीज हो गई वो रेड लाइट, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा नहीं कर रहा हूँ, बट ये आप लोग अपने हिसाब से अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे और आप लोग ऐड करके ऐसे और भी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल, उसको अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आपके वेबकैम में लाइट कम आता है तो आप लोग एक्सपोजर वाला ऑप्शन ऐड कर सकते हो, और एक्सपोजर को यहाँ पे बढ़ाओगे तो आपकी लाइट जो है आपके फेस पे वो जो है वो बढ़ेगी, और एक्सपोजर घटाओगे तो यहाँ पे आपका लाइट जो है कम हो जाएगा। तो वो भी आप लोग यहाँ से एडजस्ट जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं उसको यहाँ पे एडजस्ट नहीं करता। जब आपने फाइनली यहाँ पे सारे इफेक्ट जो भी आपको ऐड करने थे वो ऐड कर दिए और आपने एकदम बढ़िया बना लिया इस
अपने स्क्रीनशॉट को और आप चाहते हो बस ऐसा ही दिखाई देना चाहिए आपके लाइव स्ट्रीम पे आपका फेस कैम का क्वालिटी, तो बस उतना एडिट करने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपली ऊपर फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट कलर लुकअप ये नाम से ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे मैं 16 ही रहने दूंगा और इसको डॉट क्यू भी रहने दूंगा, डिफॉल्ट रहने दूंगा। आप लोग इसको जितना इंक्रीज करोगे उतना हाई क्वालिटी का जो ये लुकअप है, ये जो हमारा कलर करेक्शन वाली फाइल जो है डाउनलोड होने वाली है, वो उतनी बड़ी साइज़ की बनेगी। तो मैं यहाँ पे 16 ही रहने दूंगा और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा और ये फाइल जो है कहाँ पे आपको सेव करना है वो फोल्डर आप लोग सिलेक्ट कर लो, इसको जो भी नाम देना है वो नाम यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ लट, नाम दे देता हूँ, ठीक है, LUT लट, ओके। और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लट हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे ये वेबसाइट का काम हो गया, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा स्क्रीनशॉट ये था और ये हमारा लट डॉट क्यूब ये हमारा डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे इसी फोल्डर में। अब इसको अप्लाई कैसे करना है आपको यहाँ पे अपने OBS स्टूडियो में वेबकैम पे, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसे आपने वेबकैम ऐड करके रखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको फिल्टर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपको फिल्टर्स का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आपने अपने OBS स्टूडियो को अपडेट नहीं किया है, तो आप लोग अपडेट कर लो, ठीक है। बट नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे आप लोग इस पर राइट क्लिक भी कर सकते हो अपने वेबकैम पे, यहाँ पे भी आपको फिल्टर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, फिल्टर्स के ऑप्शन पे क्लिक करो। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे इफेक्ट फिल्टर का एक सेक्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आप लोगों को प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई लट का, ठीक है, अप्लाई लट पे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इसको जो भी नाम देना है वो आप दे सकते हो, मैं इसको डिफॉल्ट रहने दूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा विंडो हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे पाथ जो है इसको यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है और जो हमने अभी डाउनलोड किया है वहाँ उसको सिलेक्ट कर लेना। तो जैसे मैंने OBS रिकॉर्डिंग वाले फोल्डर में यहाँ पे लट डॉट क्यूब ये डाउनलोड किया अभी अभी वहाँ से photopea.com से, तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे लट को और यहाँ पे ओपन कर लेंगे। जैसे आप लोग ओपन करोगे तो ये लट जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा आपके वेबकैम पे। अब यहाँ पे मैं इसको दिखाता हूँ आपका इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं। तो ये देखो ऐसा हमारा डिफॉल्ट था, उसके बाद ये लट अप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा हो गया, ये डिफॉल्ट ये अप्लाई करने के बाद। तो ऐसे कुछ इस प्रकार से आप लोग अपना कलर करेक्शन जो है वो प्रॉपरली कर सकते हो। अब मेरे केस में आपको बहुत कम इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पे मेरे केस में बहुत कम इफेक्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने इतना कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि मेरी लाइटिंग भी अच्छी खासी है, लाइट भी अच्छा खासा आ रहा है और मेरा वेबकैम भी ठीक ठाक ही है और मुझे इतना ज़्यादा कलर करेक्शन आता भी नहीं है सच्ची बोलूँ तो। लेकिन अगर आपको अच्छे से आता है तो आप लोग थोड़ा टाइम दो और उसको एकदम बेहतरीन क्वालिटी का लट यहाँ पे बना के डाउनलोड करो और अपने वेबकैम पे जो है वो अप्लाई करो। आपका वेबकैम की क्वालिटी जो है एकदम क्या बताऊँ मैं, लाखों रुपए के जो कैमरेज आते हैं ना उन वो टाइप का कैमरा आप बना सकते हो। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो यहाँ पे बस इसको क्लोज कर दो, हो गया आपका जो फेस कैम पे जो कलर करेक्शन अप्लाई करना था वो हो चुका है। तो गाइस कुछ इस प्रकार से आप लोग अपने वेबकैम के क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो और कलर करेक्शन उसको प्रॉपरली कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। नया सीखने मिला, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो, जबरदस्ती तो नहीं है बट कर सकते हो, लाइक जरूर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। तो ये वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।